क्वेश्चन नंबर सिक्स अ ब्लॉक ऑफ फिफ्टी के जी ऑन अ स्मूथ प्लेन इंक्लाइन एट सिक्सटी डिग्री फिफ्टी के जी वाला सिक्सटी पे एंड अनदर ब्लॉक थर्टी के जी ऑन प्लेन ऑफ इंक्लाइन एट थर्टी यहाँ पे थर्टी है विथ हॉरिजोंटली कनेक्टेड बाई लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ फ्रिक्शन लेस पुली है ना स्ट्रिंग भी लाइट पुली भी फ्रिक्शन लेस एज सोन इन फिगर टेक जी इज इक्वल टू रूट थ्री इज इक्वल टू वन पॉइंट सेवन द एक्सलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग ये है हमारा क्वेश्चन चलो तो पहले तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं भाई यहाँ पे हमारा आ, अगर एक बार डायग्राम बना ले अपने तो इट इज़ लाइक दिस ये वाला एंगल कितना है सिक्सटी ये वाला एंगल थर्टी चलो यहाँ पे ये पचास के जी है और ये थर्टी के जी है तो एक सिंपल सी बात है यहाँ पे मास जो भी है पचास है तो उस पचास के कारण नीचे फोर्स कितना लगेगा भाई 50g और उसके दो कंपोनेंट होंगे अलोंग द सरफेस क्या होगा भाई 50g जी साइन थीटा है ना ऐसा ही लिख सकते हैं ना एम की जगह 50g लिख सकते हैं और यहाँ कितना होगा 50g 50g कॉस थीटा ये वाला कंपोनेंट यहाँ रहेगा अब यहाँ पे आप देख सकते हो 4 से 50g जी साइन थीटा अब ये वाले ब्लॉक को हमने एक टेंशन एक स्ट्रिंग uh, से बांधा है और बीच में क्या है पुली तो स्ट्रिंग से अगर हम बांधेंगे भाई ब्लॉक को तो स्ट्रिंग में क्या प्रोड्यूस होगा टेंशन और यहाँ पे हमने दूसरा ब्लॉक रख दिया है जिसका मास कितना रखा है अपने ने थर्टी के जी और यहाँ पे जो ब्लॉक है उसका मास है अपना फिफ्टी के जी अब सिंपल सी बात है यहाँ पे फिफ्टी जी साइन थीटा अलोंग द सरफेस डाउनवर्ड साइड है अब यहाँ पे अगर कंपोनेंट ऑफ फोर्स की बात करने जाए तो नीचे कितना लगेगा थर्टी जी तो यहाँ पे कौन सा थर्टी जी कॉस थीटा और यहाँ पे थर्टी जी साइन थीटा अब देखो फिफ्टी थर्टी तो पचास बड़ा जी जी तो कॉमन है यहाँ पे साइन सिक्सटी और साइन थर्टी बड़ा कौन साइन सिक्सटी मतलब ये वाला इस वाली डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा है मान लो यहाँ पे टेंशन टी हो तो अलोंग थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन तो सेम ही रहेगा भाई तो यहाँ टेंशन टी ऊपर है तो यहाँ टेंशन टी इस साइड ऊपर होगा और पूरे सिस्टम हमें दिख रहा है कि फिफ्टी जाइंस फिफ्टी जी इज मोर तो ये सिस्टम इस साइड आएगी ये बात समझ में आई पहले तो तो अगर ये सिस्टम इस साइड आएगी तो उसका नेट एक्सप्लरेशन इसका कहाँ होगा ऐसे और इसका कहाँ होगा भाई ऐसे चलो तो अब यहाँ पे ये पूरा ऐसे नीचे आ रहा है तो नेट फोर्स पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे वाला फ़ोर्स कितना है फिफ्टी जी साइन थीटा और टेंशन वाला फ़ोर्स कहाँ है भाई और नेट ये एक्सलरेशन कहाँ कर रहा है नीचे और मास उसका क्या है फिफ्टी तो फिफ्टी मान लो एक्सपलरेशन ए है तो पूरी बॉडी एक ही जितना एक्सलरेशन से नीचे आएगी तो ये नेट फोर्स क्या होगा फिफ्टी है तो पहले नेट फोर्स मैंने आपको बोला था क्या पहले क्या निकालेंगे नेट फोर्स नीचे वाला बड़ा होगा ऊपर वाला छोटा होगा तो वो कितना हो जाएगा फिफ्टी जी साइन थीटा कितना रखेंगे सिक्सटी माइनस टेंशन टी अब ये नेट फोर्स किसके बराबर होगा एम ए मास कितना है पचास एक्सलोरेशन ए तो हम लिख सकते हैं फिफ्टी ए इज इक्वल टू फिफ्टी जी साइन सिक्सटी कितना होता है भाई रूट थ्री डिवाइड बाई टू माइनस टी ओके okay, ये अपना बन गया इक्वेशन नंबर वन ओके आप क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं हमें क्या फाइंड करना है एक्सलरेशन एंड टेंशन ओके तो यहाँ पे एक्सलरेशन ए भी है टेंशन टी भी है अब दूसरा इक्वेशन कहाँ से बनाएंगे इससे चलो तो यहाँ पे ये किसके लिए हमने डिस्कशन किया था दिस इज़ फॉर मार्स कितना के जी फिफ्टी के जी अब डिस्कशन करेंगे फॉर मार्स थर्टी के जी चलो फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो यहाँ पे इस साइड पे फोर्स कितना लगता है थर्टी जी साइन थीटा ठीटा कितना है थर्टी तो लिख सकते हैं थर्टी जी साइन थर्टी नीचे लग रहा है और ऊपर क्या लगेगा टेंशन टी अब ये बॉडी कहाँ ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है मतलब नेट फोर्स ऊपर लगेगा मतलब टेंशन बड़ा होगा और थर्टी जी साइन थर्टी क्या होगा छोटा होगा तो नेट फोर्स क्या होगा यहाँ पे भाई नेट फोर्स हम लिख सकते हैं टी माइनस थर्टी जी साइन थर्टी और नेट फोर्स कितना होगा मास इसका कितना है भाई थर्टी तो हम लिख सकते हैं थर्टी इंटू एक्सप्लेसन ए इज इक्वल टू टी माइनस थर्टी जी साइन थर्टी अब साइन थर्टी कितना होता है भाई रख दे वन डिवाइड बाई टू चलो इक्वेशन इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं थर्टी ए इज इक्वल टू टी माइनस फिफ्टीन जी कोई प्रॉब्लम ये इक्वेशन नंबर टू फिजिक्स यहाँ पे हो गया पूरा अब क्या चालू करेंगे मैथमेटिक्स खेलेंगे ये और ये दोनों का क्या कर देते हैं सम कर देते हैं करें ना चलो तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा ट्वेंटी फाइव तो इस वाले इक्वेशन के नीचे वो वाला लिख देता हूँ मैं सो दिस इज़ थर्टी ए इज इक्वल टू यहाँ पे पहले माइनस फिफ्टीन जी और प्लस टी आगे पीछे लिख दिया ये कैंसिल हो जाएगा सम करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा थर्टी प्लस फिफ्टी एटी ए और यहाँ पे कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव इंटू रूट थ्री जी है ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी अगर कॉमन निकाल दे तो क्या हो जाएगा ट्वेंटी फाइव रूट थ्री माइनस फिफ्टीन ये हो जाएगा अब रूट थ्री की वैल्यू हमें बोली है कितनी लेनी है वन पॉइंट सेवन चलो तो इसका कैलकुलेसन कर लेते हैं भाई यहाँ पे एटी इंटू ए इज़ इक्वल टू जी की वैल्यू टेन लेनी है बराबर एंड ट्वेंटी फाइव इंटू रूट थ्री दैट्स मीन वन पॉइंट सेवन माइनस फिफ्टीन चलो करो कैलकुलेशन ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसल तो ए इज़ इक्ल टू हमें क्या मिलेगा भाई ट्वेंटी फाइव इंटू वन पॉइंट सेवन माइनस फिफ्टीन डिवाइड बाई एट करो ये जो भी आएगा वो क्या होगा आपका थ्री पॉइंट फोर्टी थ्री ये आ गया अपना एक्सलरेशन अब ए की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में रख दो जो अच्छा लगे यहाँ रख दो राइट तो यहाँ पे जो भी इक्वेशन में रख दोगे वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा भाई टेंशन टी तो पहले तो थ्री पॉइंट फोर्टी थ्री वाला ऑप्शन ए एंड डी दोनों है ओके ए की वैल्यू चलो रख कर बताओ फटाफट कितना आंसर आ रहा है टेंशन टी का अब ये तो कर ही सकते हैं बराबर ना भाई समझ में आ रही है बातें इजी है ना किसका डाउट था ये भाई जिसका डाउट था उसको आया समझ में ऐसा नहीं कि जिसका नहीं था उसको आ गया और जिसका था वो अभी भी समझ में नहीं आया भाई <laughs> आई ना बात समझ में यार एक तो शर्माते बहुत है लोग ना हाँ बोलने का ना आए तो ना बोलने का भाई ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है मेरे से डरने का तब जब मैं बोला वो ना किया हो है ना बाकी अगर आप पूरी मेहनत करके आए हो मेहनत ट्राई करके आए हो तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है भाई है ना जो मेहनत कर रहा है उसके लिए मैं तीन बार सिखाने के लिए रेडी हूँ क्योंकि वो ट्राई कर रहा है हाँ ऐसा का वैसा नाया धोया और यहाँ आ गया टू फिफ्टी थ्री कहाँ दिख रहा है ऐसा डी में तो ऑप्शन डी में है हमारा टेंशन है टू फिफ्टी थ्री पॉइंट इलेवन न्यूटन और ऐसा ऑप्शन करेक्ट कौन सा है भाई डी चलो बिंगो अब ये सब होमवर्क में घर पे कर सकते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हुए गाइस नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन वेरी इजी प्रॉब्लम ऐसा क्वेश्चन सिर्फ आपके बोर्ड लेवल के एग्ज़ाम में ही पूछ सकते और कहीं नहीं चलो तो ये हमारी पुली है यहाँ पे एक मास है और एक मास यहाँ पे है ओके थ्रू आउट द पुली स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम लॉजिक सारे सेम टू सेम यहाँ पे एक मास है और यहाँ पे एक दूसरा मास है बरोबर मान लो इसको मैं एम वन बोल दूँ और इसको क्या बोल दूँ एम टू अब ये पूरा हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एम वन वहाँ सिक्सटी के जी और यहाँ ट्वेंटी के जी है तो मतलब अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन एम वन की वैल्यू एम टू से क्या है भाई ज़्यादा है बराबर ना अगर ये वैल्यू ज़्यादा है तो ये सिस्टम कहाँ आएगी यहाँ नीचे आएगी सिंपल सी बात है तो हमें इतना पता चलता है कि ये अगर नीचे आएगा तो यहाँ पे एक्सलरेशन डाउन होगा यहाँ पे एक्सलरेशन कहाँ होगा एंड थ्रू आउट द सिस्टम सेम एक्सलरेशन से आगे बढ़ रहा है ओके okay, अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं एम टू के लिए तो इसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगेगा भाई एम टू जी नीचे और यहाँ पे टेंशन कहाँ लगेगा भाई ऊपर लेकिन ये पूरा सिस्टम कहाँ जा रहा है ऊपर तो यहाँ पे टेंशन ज़्यादा होगा और एम टू जी कम होगा तभी ऊपर जा सकता है तो नेट फोर्स निकाले इसके लिए तो नेट फोर्स क्या होगा भाई अपना तो टी माइनस एम टू जी और नेट फोर्स ऑलवेज किससे कंपेयर करेंगे एम ए से मास इसका कितना है एम टू और एक्सलेशन कितना है ए तो एम टू एज़ इक्वल टू टी माइनस एम टू जी डन है तो यहाँ से टेंशन टी का फॉर्मूला क्या बनेगा उसको यहाँ ला दो तो टी इज़ इक्वल टू लिख सकते हैं एम टू एके निकालना है राइट चलो तो यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं इसको क्या बोल देते हैं इक्वेशन नंबर अब सेम टू सेम का टास्क एम वन के लिए करते हैं एम वन पे ग्रेविटेशनल फोर्स एम वन जी कहाँ लगेगा भाई नीचे और टेंशन कहाँ होगा ऊपर सिस्टम कहाँ आ रही है तो नेट फोर्स यहाँ पे क्या होगा भाई नेट फोर्स हम लिख सकते हैं एम वन जी जगह है भाई अपने पास नेट फोर्स हम लिख सकते हैं एम वन जी माइनस टेंशन टी लेकिन फोर्स को किसके कंपेयर करेंगे मास से यहाँ पे मास कितना है भाई बॉडी का एम वन और एक्सलरेशन ए तो ये हो जाएगा एम वन इंटू ए इज इक्वल टू एम वन जी माइनस इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर टू और ये इक्वेशन नंबर वन और टू का क्या करना है सम करना है नाउ वी विल डू इक्वेशन नंबर वन प्लस इक्वेशन नंबर टू तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एम टू ए इज इक्वल टू टी माइनस एम टू जी और यहाँ पे लिख सकते हैं एम वन ए इज़ इक्वल टू माइनस टी को पहले लिख देता हूँ माइनस टी प्लस एम वन जी प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ से ए कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा एम वन प्लस एम टू बरोबर मतलब जो भी लिखना हो एम टू एम वन या एम वन प्लस एम टू इज़ इक्वल टू यहाँ पे एम वन पॉजिटिव एम टू नेगेटिव तो ऐसा लिख सकते हैं एम वन माइनस एम टू इन जी कॉमन तो एक्सलरेशन चाहिए तो इसको कहाँ भेज दो नीचे तो यहाँ से हमें एक्सप्लेसन ए का फॉर्मूला मिलेगा भाई एम वन माइनस एम टू डिवाइड बाई एम वन प्लस इन टू जी डन है तो ये आपका एक्सप्लेसन हो गया एम वन कितना है यहाँ पर भाई सिक्सटी के जी और एम टू कितना था एम टू है अपना ट्वेंटी के जी और जी की वैल्यू नहीं दिए क्या ले लो टेन मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेकर देख लो वैल्यू पुट करो आंसर आएगा डन है इज़ी है तो वो होमवर्क में लाना है बराबर अब यहाँ पे तक तो हो गया अब कुछ बाकी बचा मैथ्स बचा घर पे करेंगे चलो आगे जाए आगे जाए हाँ बोलो यार नहीं तो मैं आगे नहीं जा पाऊँगा मूव ऑन नहीं हो पाऊँगा मैं इसी के यही के यही क्वेश्चन में रह जाऊंगा चलो जा सकते हैं आगे क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन के साथ प्रॉब्लम समझ लेते हैं द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन एंगल थीटा अरे यार थीटा परफेक्टली स्मूथ वाइल लोअर हाफ इट्स रफ ओके अपर हाफ स्मूथ है लोअर हाफ क्या है रफ है सो so, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऊपर लिख सकते हैं ये स्मूथ है और ये है अपना रफ सरफेस ओके जो स्मूथ है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हम कंसीडर कर लेते हैं एल और जो रफ है उसका भी सेम टू सेम रहेगा क्योंकि मिड पॉइंट पे ये लाइन है सो दिस इज ऑल्सो अ लेंथ एल कोई दिक्कत वाली बात चलो नहीं है अब क्या है अब ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ये कहाँ से स्टार्ट करता है रेस्ट से तो इनिशियल वेलोसिटी क्या दी है ज़ीरो ओके एट द टॉप ऑफ द प्लेन विल गेन विल अगेन कम टू रेस्ट एट द बॉटम रेस्ट से स्टार्ट करेगा चलना चालू करेगा स्पीड बढ़ाएगा और फिर यहाँ पे आते आते अगेन उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है गाइस? जीरो इफ़ द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड लोअर हाफ ऑफ द प्लेन इज गिवन बाय ओके यहाँ पे रफ सरफेस है तो यहाँ पे भाई क्या होगा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा तो यहाँ पे ब्लॉक और यहाँ सरफेस के बीच में कुछ फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यूक के वो म्यूक के कितना है वो हमें फाइंड करना है डन है तो यहाँ से कार्यक्रम हम स्टार्ट करते हैं पहले हम स्मूथ सरफेस के लिए डिस्कशन करेंगे तो चलो सॉल्यूशन पहले स्मूथ सरफेस के लिए अगर हम सोचने जाए तो इस ब्लॉक के ऊपर अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम से फोर्स दिखाएँ तो यहाँ पे फोर्स कौन सा लगेगा भाई एम जी साइन इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है तो नेट फोर्स यहाँ पे हो जाएगा भाई हमारा एम जी साइन थीटा और उसके कारण मान लो उसके अंदर एक्सलरेशन कितना प्रोड्यूस हो गया ए जितना बरोबर और ब्लॉक का मास हम हर एक जगह क्या मान लेते हैं भाई एम तो यहाँ पे ए एक्सलरेशन प्रोड्यूस हुआ तो नेट फोर्स क्या लिख सकते हैं एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन तो यहाँ से एम एम हो जाएगा तो ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा गाइस जी साइन थीटा मतलब इतने कांस्टेंट एक्सलरेशन से नीचे चलना शुरू कर देगा कितना डिस्टेंस कवर करता है एल डिस्टेंस और यहाँ पे उसकी स्पीड कुछ आ जाएगी इतनी बात तो लॉजिकल है कि स्मूथ सरफेस है तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी यहाँ तक जैसे ही रफ सरफेस में जाएगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा तो उसकी स्पीड कुछ कम होनी चाहिए तभी वो यहाँ पर आके ज़ीरो बन सकता है है, तो यहाँ पे स्पीड बढ़ते बढ़ते मान लेते कितनी हो गई फाइनल स्पीड वी वन तो फर्स्ट एम ये है कि हम ये वी वन फाइन करना चाहते हैं तो डिस्टेंस दिया है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन सो लेट स्टार्ट टू यूज थर्ड इक्वेशन तो थर्ड इक्वेशन हम अगर यूनिफॉर्म एक्सलरेटेड मोशन का याद करने जाए तो इट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए डी फाइनल वेलोसिटी है हमारी वी वन तो वी वन स्क्वायर इनिशियल स्पीड जीरो है तो ज़ीरो इज इक्वल टू टू एक्सलरेशन है जी साइन थीटा और डिस्टेंस कितना कवर करता है एल तो यहाँ से हमें वी वन स्क्वायर मिलता है टू जी एल साइन थीटा डन है अब हम लोअर हाफ में आते हैं लोअर हाफ में कैसी सरफेस है गाइज रफ अगेन यहाँ पे फोर्स का डिस्कशन करते हैं तो जैसे ही बॉडी यहाँ पे आ जाएगी तो इस बॉडी पे यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं मान लो ये लोअर हाफ है तो यहाँ पे ये वाली डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा एम जी साइन थीटा क्योंकि ये मोशन में है तो ऊपर कौन सा लगेगा एफ के कोई दिक्कत वाली बात और यहाँ पे अपने को पता है एम जी तो यहाँ पे कंपोनेंट कौन सा होता है एम जी कॉस और यहाँ क्या होता है भाई नॉर्मल रिएक्शन एन ये सबको पता है चलो तो यहाँ पे हम पहली बात तो ये लिख सकते हैं कि एन की डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है तो एन इज़ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एम जी कॉस थीठा यहाँ पे कोई दिक्कत अब यहाँ पे नेट उसका मोशन कहाँ हो रहा है नीचे अगर ये नेट मोशन नीचे कर रहा है तो उसका नीचे की तरफ कुछ एक्सलरेशन एडेस होगा क्योंकि यहाँ पे देखो ये यह माना यहाँ पे क्यों बदलना पड़ा क्योंकि एक और फोर्स ऐड हो गया फ्रिक्शन का तो वो जो ऊपर एक्सलरेशन था उतना रहेगा है ना तो ए डैश हो गया तो अब नेट फोर्स नीचे क्या है एम जी साइन ठीटा ऊपर एफ के तो नेट फोर्स क्या लिख सकते हैं अपने तो एम जी साइन ठीटा माइनस एफ के कोई प्रॉब्लम अब नेट फोर्स क्या होता है एम ए तो मास तो उसका एम ही e है बट एक्सलरेशन कितना है ए डैश इज इक्वल टू एम जी साइन और एफ के का इक्वेशन क्या है म्यू के एन एन की वैल्यू ला कर रखी है क्या है एम जी कॉस्टीटा तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एम ए डैस इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एम जी कॉस ठीटा ओके म्यू के रह गया यहाँ लिख देते राइट म्यू इंटू के अब यहाँ से एम जी एम जी कॉमन निकल सकता है गाइज तो निकाल देते हैं एम ए डैस लिख देते यहाँ पे एम ए डैश इज इक्वल टू एम जी कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा पहले में साइन थीटा माइनस यहाँ पे म्यू के इंटू थीटा राइट ऐसा बचेगा ना अब यहां से एम और एम क्या हो गया कैंसल तो ए डैश का इक्वेशन हमें मिल के मिल सकता है जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के थीटा लिख दे नेक्स्ट पेज में चलो तो ए इज इक्वल टू हमें ए डैस इज इक्वल टू मिला हमें जी इन टू साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस ठीटा अब आप देख सकते हो थीटा क्या है कांस्टेंट है इंक्लिनेशन एंगल म्यूके कांस्टेंट थीटा कांस्टेंट जी कांस्टेंट तो ये ए डैश भी कैसा है भाई देखने जाए तो कांस्टेंट ही है मतलब यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट कैसा मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सलरेटेड मोशन विद दिस मच ऑफ एक्सलरेशन अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या करेगा तो उतने एक्सलरेशन से इनिशियल स्पीड वी वन से चलना स्टार्ट करता है एल डिस्टेंस ट्रैवल करता है और फाइनल स्पीड क्या हो जाती है ज़ीरो कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं थर्ड चलो तो अगेन यूजिंग थर्ड इक्वेशन फॉर अ रफ सरफेस तो जनरल इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए डी यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या है भाई जीरो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वी वन स्क्वायेयर वी वन है तो वी वन स्क्वायर हो जाएगा इज़ इक्वल टू टू टाइम्स यहाँ एक्सलरेशन ए डेस है तो एड एस लिखना चाहिए ए डेस की वैल्यू कितनी है जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा बस इतना ही है राइट और डिस्टेंस कितना है एल तो यहाँ से हम लिख सकते हैं गाइज या वी वन को सामने भेज सकते हैं भेजना चाहो तो भेज सकते हैं नहीं तो यहाँ ही रहने देते है. चलो माइनस वी वन स्क्वायर हम ऑलरेडी फाइंड करके आए हैं कितना था टू जी एल साइन थीटा इसको इक्वेशन नंबर वन बोल देते हैं और इसकी वैल्यू कहाँ रख देते हैं वी वन की दूसरे इक्वेशन में चलो दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर टू तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू वी वन की वैल्यू क्या लिख सकते हैं टू जी एल साइन थीटा ये वी का ही वैल्यू था राइट इज इक्वल टू टू टाइम्स जी एल है ना टू टाइम्स जी एल साइन थीठा माइनस म्यूके कॉस ठीटा यहाँ पे हमारा एम है म्यूके निकालना किसको निकालना चाहते हैं म्यू के को तो आप देख सकते हो क्या क्या उड़ रहा है तो टू जी एल टू जी एल कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे क्या बचेगा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यूके कॉस थीटा म्यूके को निकालना है तो इसको वहाँ ले जाते हैं उसको यहाँ ला देते हैं कोई प्रॉब्लम तो यहाँ पे हो जाएगा म्यूके कॉस थीटा पॉजिटिव और ये सामने जाएगा तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा टू टाइम्स साइन थीटा तो म्यूके इज इक्वल टू टू टाइम्स साइन थीटा डिवाइड बाय तो साइन बाय कॉस क्या होता है भाई तो टू टाइम्स टेन ये आपका क्या हो गया भाई आंसर हो गया डन है तो हम ऐसा ऑप्शन कहाँ है सो so, ऐसा ऑप्शन है हमारा डी तो हमारा आंसर क्या रहेगा भाई बिंगो सो so, बहुत ही अच्छा मोशन इन वन डी एंड लॉज ऑफ मोशन का क्या था ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन था ये देख लो एक बार नेक्स्ट पेज देख लो हमने देखो सिंपल टास्क किया है एक्सलरेशन निकाला थर्ड इक्वेशन यूज़ किया इस केस में एक्सलरेशन निकाला थर्ड इक्वेशन यूज किया अब यहाँ से प्रैक्टिस ये, ये मैंने पहली बार पूरा करवाया अब आपको पता चल जाना चाहिए फ्रिक्शन लेस सरफेस जब भी आपको एक्सलरेशन चाहिए मास हटा दो तो यहाँ एम जी साइन ठीठा एम हटा दो जी साइन थीटा क्या हुआ भाई यहाँ पे नेट फोर्स क्या है एम जी साइन थीटा माइनस एम जी थीटा म्यू के यहाँ से एम हटा दो क्या बच गया एक्सलरेशन तो ऑलवेज फ्रिक्शन वाली सरफेस हो कैसी हो फ्रिक्शन वाली तो वहाँ एक्सलरेशन यही होगा कितना होगा अगर कोई अदर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो रहा यहाँ कुछ नहीं है देखो स्ट्रिंग पुली बुली कुछ नहीं है ना कोई बाहर से फोर्स लगा रहा है तो ऑलवेज़ फ्रिक्शन सरफेस है इंक्लाइन प्लेन है तो उसका एक्सलरेशन यही होगा जी इंटू ब्रैकेट में साइन माइनस म्यूके थीटा याद कर लो ये बार बार चीज़ें आएगी ऐसी है ना ये ऐसी चीज़ें कैसे आएगी बार बार अगर सिर्फ स्मूथ सरफेस है तो एक्सलरेशन जी साइन थीटा अगर फ्रिक्शन वाली सरफेस है तो ऐसा भी याद रखो जी साइन थीटा माइनस जी म्यूके कॉस्टिटा फिर जी कॉमन निकालो जो करना हो वो आई वॉन्ट दिस इक्वेसन फिर से ये इक्वेशन डिराइव करने बैठेंगे मैं डायरेक्ट रिजल्ट यूज करूँगा भाई ये वाला याद रख लो है ना दिस इज एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक वेन इट इज मूविंग ऑन अ फ्रिक्शन सरफेस है नैक्स्ट प्रॉब्लम कैन आई गो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व चलो सुचुएशन समझते पहले तो ऐसा एक टेबल है भाई टेबल पे हमने एक ब्लॉक रखा है जिसका मास कितना है एम वन उसको एक कैसी वेट उसका मासलेस स्ट्रिंग से हमने बांधा है और यहाँ पे एंड पे क्या कनेक्ट किया है पुली क्या कनेक्ट कर दिया है पुली पुली से ये स्ट्रिंग जाएगी और यहाँ पे हमने एक दूसरा मास लटका दिया जिसका मास कितना है एम टू और ये सिस्टम कैसे है तो ये सिस्टम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रही है कहाँ कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन तो इस पूरे सिस्टम का एक्सलरेशन क्या होगा सेम होगा डन है तो यहाँ पे एम वन इस साइड जा रहा है एम टू नीचे जा रहा है तो यहाँ पे अगर ये इस डायरेक्शन में मोशन करेगा तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा फ्रिक्शनल क्योंकि ये यह, ओके यहाँ पे ये यह वाली जो सरफेस है वो कैसी है फ्रिक्शन है और कोफ़िशेंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है म्यूके वो म्यूके कितना है वो फाइन करना है ओके म्यूके फाइन करना है या टेंशन सॉरी म्यूक के दिया है कोओफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है म्यूक के और हमें फाइंड क्या करना है टेंशन मान लो ये स्ट्रिंग में टेंशन टी प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पे भी कितना प्रोड्यूस होगा टी क्योंकि सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन तो वी वांट टू फाइंड आउट दिस टेंशन टी कोई टेंशन करे कार्यक्रम स्टार्ट चलो तो अब हम फिर से सोचना स्टार्ट करेंगे ऊपर और नीचे पहले किसके लिए डिस्कशन करेंगे एम वन के लिए डन है मैं सिर्फ देख लेता हूँ कि ऊपर वाले को एम वन ही बुलाए ना यस एम वन है चलो हम अगर एम वन एम टू इंटरचेंज कर ले भाई तो भी क्वेश्चन का आंसर ना आए ऐसा हो चुका है भूतकाल में मेरे साथ इसके लिए मैं ध्यान रखता हूँ चलो तो फर्स्ट बात करेंगे हम डिस्कशन करेंगे फॉर ब्लॉक एम वन फॉर ब्लॉक एम वन के लिए डिस्कस करने जाए तो ये ब्लॉक पहले तो मूव कहाँ हो रहा है राइट right या लेफ़्ट राइट right हो रहा है चलो तो उसके ऊपर लगते हुए फोर्स के बारे में अगर सोचने जाए तो यहाँ कौन सा फोर्स होगा टेंशन और यहाँ फ्रिक्शन का फोर्स एफ के नॉर्मल में ओके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो कोई मोशन कर रहा चलेगा डन है तो ये एफ़ के यहाँ टी यहाँ और नेट उसका एक्सलरेशन कहाँ है यहाँ तो नेट फोर्स क्या होगा भाई इसका टेंशन ज़्यादा होना चाहिए टी माइनस एफ के अब नेट फोर्स एफ क्या होगा तो उसका मास कितना है भाई एम वन तो ये हो जाएगा एम वन इंटू ए इज इक्वल टू टी माइनस एफ़ के अब एफ़ के सबको पता है कितना होता है भाई म्यू के इंटू एन एफ के अपना होता है म्यू के इंटू एन और यहाँ पे अगर एम वन मास है तो उसका नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगा एन ऊपर और नीचे कितना होगा एम वन जी तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ कोई मोशन नहीं तो एन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एम वन वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे चलो रख देते हैं तो हम लिख सकते हैं कि एम वन ए इज इक्वल टू टेंसन टी माइनस म्यूके इंटू एम वन जी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ से हम इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर वन हमें टेंशन टी निकालना है दो इक्वेशन बनाएंगे और क्या करेंगे इक्वेट करेंगे ब्लॉक टू पे आ जाते हैं भाई फॉर ब्लॉक नंबर टू मतलब मास एम टू अब एम टू पर फोर्स कितने लग रहे हैं नीचे कौन सा लग रहा है भाई एम टू जी और ऊपर कौन सा लग रहा है टेंशन बॉडी कहाँ आ रही है नीचे तो एम टू जी ज़्यादा होना चाहिए तो नेट फोर्स हम क्या लिख सकते हैं गाइस एम टू जी माइनस टी नेट फोर्स ओके एक्सलरेशन ए है मास okay, कितना है उसका एम टू बॉडी का मास क्या है एम टू तो नेट फोर्स क्या होगा एम टू एज़ इक्वल टू एम टू जी माइनस टेंशन ये इक्वेशन नंबर क्या होगा अपना टू ये वन और टू दोनों का क्या कर देंगे सम कर देंगे चलो तो इसी के ओके नाउ लेट्स डू इक्वेशन नंबर वन प्लस इक्वेशन नंबर टू वन यहाँ पे लिख देता हूँ फटाफट एम वन ए इज इक्वल टू टेंशन टी माइनस म्यूके इंटू एम वन जी और नीचे हम लिख सकते हैं एम टू ए इज इक्वल टू माइनस टी को आगे लिख देता हूँ माइनस टी प्लस एम टू इंटू जी डन है करें कैलकुलेशन थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ भाई चलो तो अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करके देखें आंसर क्या आएगा तो यहाँ पे ए कॉमन निकल जाएगा और यहाँ क्या आएगा एम वन प्लस और यहाँ टी टी कैंसिल हो जाएगा यहाँ क्या बचेगा एम टू जी और ये माइनस एम वन जी म्यू के इंटू एम वन जी ऐसा लिख सकते हैं, या तो एम वन जी इंटू दोनों में से जी क्या है कॉमन है तो हम निकाल लेते हैं जी को कॉमन अंदर क्या आएगा भाई एम टू माइनस एम वन इंटू म्यू के डिवाइड बाय यहाँ पे ये यह डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा एम वन प्लस और ये अपना क्या आ गया एक्सपलरेशन ए ए की वैल्यू आ गई किसी भी एक इक्वेशन में ए की वैल्यू रख दो क्या मिल जाएगा टेंशन टी कोई दिक्कत वाली बात चलो ये वाले इक्वेशन को उठाते हैं नेक्स्ट पेज पे लिखे कि यहाँ कंटिन्यू करें यहाँ ही कंटिन्यू करते हैं चलो तो भाई जैसी पब्लिक की इच्छा तो ये वाले इक्वेशन में एक्सप्लरेशन की नहीं भाई नेक्स्ट पेज पे करते बस ज़्यादा टर्म है है ना जगह कम हो जाएगी गलती हो जाएगी पहले ये वाला इक्वेशन लिख देता हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे हमारा इक्वेशन है दूसरा इक्वेशन है एम टू एज़ इक्वल टू एम टू जी माइनस टी एम टू जी माइनस टी ये अपना क्या है इक्वेशन नंबर टू है राइट right? और यहाँ पे एक्सलरेशन है जी एम टू माइनस एम वन म्यू के डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू ए है हमारा जी एम टू माइनस एम वन म्यू के डिवाइड बाय एम वन प्लस एक बार वेरीफाई कर लेते हैं सब कुछ सही है हाँ एम टू माइनस एम वन म्यूक के एम वन प्लस एम टू सब कुछ सही है अब इस ए की वैल्यू कहाँ रख देंगे ऊपर रख देंगे कोई दिक्कत वाली बात गई इस यहाँ से टेंशन टी क्या होगा भाई एम टू जी माइनस एम टू ए जाएगा इसको यहाँ उसको वहाँ हेरा फेरी अब यहाँ ए की वैल्यू रख दो डन है चलो तो एम टू जी एज इट इज माइनस ओके दोनों जगह एम टू है भाई हाँ एम टू जी एज इट इज माइनस एम टू इंटू ए हम रख सकते हैं जी यहाँ पे एम टू माइनस एम वन म्यूके डिवाइड बाय एम वन प्लस कोई दिक्कत यहाँ पे फिजिक्स क्या हो गया पूरा यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया मैथ्स कलर बदल देता हूँ तो, तो यहाँ पे हम क्या दिक्कत आ रही है प्रिंस हाँ निकाल रहा हूँ निकाल रहा हूँ अब यहाँ पे देखो ये एम टू जी मल्टीप्लीकेशन में एम टू जी मल्टीप्लीकेशन में दोनों में बाहर निकाल सकते हैं चलो तो यहाँ से एम टू जी बाहर आ जाएगा तो फर्स्ट में टर्म में क्या बचेगा वन यहाँ पे माइनस और सिर्फ ब्रैकेट टर्म बचेगा तो ब्रैकेट टर्म क्या है अपना एम टू माइनस एम वन डिवाइड बाय एम वन प्लस दिक्कत अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपने एम टू जी तो एज इट इज रहेगा गाइस यहाँ ये यह ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा एम वन प्लस एम टू ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस एम टू माइनस माइनस प्लस एम वन म्यू के डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू यहाँ से एम टू एम टू छू हो जाएगा एम वन प्लस एम वन म्यूके एम वन कॉमन निकाल सकते हैं तो लास्ट कंक्लूजिव आंसर आएगा हमारा एम टू जी यहाँ से एम वन कॉमन निकाले तो वन प्लस म्यूके इन टू एम वन डिवाइड बाय एम वन प्लस तो इस एम टू जी को अंदर भेज सकते हैं तो फाइनल आंसर हमारा कैसा बनेगा भाई कुछ ऐसा बनेगा कि टेंशन टी इज इक्वल टू एम वन एम टू जी है ना एम वन एम टू जी ब्रैकेट में वन प्लस म्यू के डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू तो ये आ गया आपका आंसर डन है देखते है, ऐसा कहाँ वेरीफाई होता है एम वन एम टू जी वन प्लस म्यू के एम वन एम टू जी वन प्लस म्यू के डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू आंसर क्या रहेगा सी कोई दिक्कत तो ब्यूटीफुल फिजिक्स विथ नाइन्थ स्टैंडर्ड मैथ्स ऐसा तो नाइन्थ में करते थे भाई ऊपर नीचे हेरा फेरी नाइन्थ टेंथ में ही करते थे ना ओके चलो तो देख लो एक बार क्वेश्चन नंबर थर्टीन अ प्लांक विथ अ बॉक्स ऑन इट इज ग्रेजुअली रेज अबाउट अदर एंड चलो प्लांक को क्या किया है यहाँ पे एंड था और इसको एक कोई अदर एंड पे ऐसे धीरे धीरे उठाते गए उठा उठाते उठाते कितने डिग्री एंगल पे ले गए थर्टी डिग्री और यहाँ पे हमने क्या रख दिया था एक ब्लॉक रख दिया था तो भाई कोई एक जगह आएगी जहाँ से नीचे चलना शुरू कर देगा बरोबर ना चलो तो द बॉक्स स्टार्ट टू स्लीप एंड स्लाइड फोर मीटर डाउन प्लांक इन फोर सेकंड यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे दी है कितनी दी है फोर मीटर और टाइम कितना लगा रहा है फोर सेकंड मतलब उसकी स्पीड दे दी है भाई कितनी स्पीड से नीचे आ रहा है वन मीटर पर सेकंड ऐसा बोल सकते हैं चलो दो द कोफिशियंट ऑफ स्टेटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द द्लांक तो हमें इस केस के लिए म्यू एस निकालना है एंड दूसरा क्या निकालना है भाई म्यू के दो चीजें निकालना मांगता चलो पहले म्यू एस पे आते हैं कि मान लो ये ऊपर ला रहे ला रहे ला रहे, रहे यहाँ तक ये नीचे नहीं गिरा थर्टी जस्ट थर्टी से जैसे ही जाएंगे क्या होगा स्लाइड होना स्टार्ट हुआ तो थर्टी डिग्री क्या है मैक्सिमम एंगल और ये एंगल पे वो नीचे गिरना स्टार्ट किया फ़ोर्स के बारे में सोचते हैं पहले किसके लिए बात करेंगे स्टेटिक फ्रिक्शन फाइंड करना है तो स्टेटिक फ्रिक्शन कब होगा जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी नेट फोर्स ज़ीरो होगा चलो तो इसके ऊपर लगते हुए फोर्स के बारे में सोचे तो ये मान लो सरफेस है आपकी तो यहाँ पे एम उसका मास मान लेते हैं कुछ दिया है नहीं दिया है एम मान लेते हैं तो एम का इस साइड के अलोंग ओके ये एंगल अगर ठीठा हो तो ये कॉम्पोनेंट क्या होगा एम जी साइन ठीठा डन है और नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा भाई एन और यहाँ पे क्या होगा ये एम जी कोई दिक्कत तो ये वाला ओके यहाँ पे ये नीचे जस्ट गिर नहीं रहा है लेकिन गिरने वाला है तब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा भाई एफ़ एस ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया चलो तो एन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एम जी थीटा और एफ एस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एम जी साइन थीटा दोनों को क्या करते हैं डिवाइड तो एम जी एम जी कैंसल आया ना तो एन डिवाइड एफ एस इज इक्वल टू क्या होगा भाई अरे कॉट ठी अरे चलो चलो ऐसे ही रहने देता हूँ कॉस थीटा डिवाइड बाय दोनों को उल्टा कर दूँ तो एफ एस ऊपर एफ एस को कहाँ लिख देते हैं म्यू एन को नीचे इज इक्वल टू ये अब साइन बाय कॉस अब क्या लिख सकते हैं अब एफ एस क्या होता है भाई आपका म्यू एस इन टू एन डिवाइड बाई एक एन तो है ही है इज इक्वल टू क्या है टेन ठीठा एन एन कैंसल तो म्यू एस इज इक्वल टू क्या मिला मिलागा इस फॉर म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा थीटा दिया है कितना थर्टी तो टेन थर्टी कितना होता है भाई वन डिवाइड बाय ढान आंसर आ गया भाई बरबर वन बाय रूट थ्री करके देखो वन डिवाइड बाय वन पॉइंट सेवन जीरो पॉइंट सिक्स तो ये अराउंड आ रहा है पॉइंट सिक्स डन है अब ये ब्लॉक चलना स्टार्ट कर दिया मान लो यहाँ बीच में आ गया अब मोशन में है अब हमारा ब्लॉक कहाँ है भाई मोशन में है तो अब हमें इसके बारे में सोचना है अब हम उसका काइनेटिक फ्रिक्शन ढूंढना मांगता क्या चाहिए अपने को उसका काइनेटिक फ्रिक्शन तो अब ये ब्लॉक के ऊपर लगते हुए फोर्स के बारे में अगर आप सोचने जाओगे तो यहाँ पे कौन सा फोर्स भाई एम जी साइन थीटा ऊपर कौन सा फोर्स म्यू के एफ के बरोबर और ये फ्रिक्शन वाला सरफेस है तो जब भी जब भी बॉडी फ्रिक्शन वाली सरफेस में नीचे आएगी तो एक्सलरेशन का इक्वेशन आप याद करके आए हैं क्या होता था तो इस केस अब डिराइव करूंगा डायरेक्ट रिजल्ट यूज करते ए इज इक्वल टू क्या लिखा था जी ब्रैकेट साइन थीठा माइनस म्यू के इतना एक्सलरेशन से नीचे आ रहा है भाई इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है फोर मीटर टाइम कितना ले रहा है फोर सेकेंड ओके अब यहाँ पे वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट? वी वांट टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ म्यू के उसके जैसा ही है टाइम दिया है कौन सा इक्वेशन यूज करना चाहिए सेकेंड तो लेट्स यूज सेकेंड इक्वेशन ये सारे डेटा के साथ राइट right पेज पे चले जाते हैं यू ज़ीरो ए जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा एंड डिस्टेंस एल फोर मीटर टाइम फोर सेकंड डिस्टेंस और टाइम दिया हो तो थर्ड इक्वेशन यूज करें तो डी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यू ज़ीरो तो ये टर्म क्या हो जाएगा डिस्टेंस दिया है फ़ोर इज़ इक्वल टू वन बाई टू एक्सलरेशन कितना है इतना जी साइन कितना दिया है भाई थीठा आपने को दिया है थर्टी तो साइन थर्टी माइनस म्यू के कॉस थर्टी इंटू टी स्क्वायर टाइम कितना दिया है फोर फोर स्क्वायर सब कुछ दे दिया है क्या नहीं है म्यू के फिजिक्स क्या हो गया क्या चालू हो गया मैथमेटिक्स चलो मैथ्स मैथ्स खेलते हैं जी की वैल्यू कोई इच्छा बताइए दस ले लेते हैं है ना फोर इज इक्वल टू अगर वन बाई टू ओके आप देख सकते हैं यहाँ पे वन बाई टू यहाँ ये रहा और जी जी दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन में है ये वाला जो है ना ये क्या है कंप्लीट ब्रैकेट है राइट right? बिंगो तो ये जी पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है चलो तो जी की वैल्यू टेन डिवाइड बाई टू ब्रैकेट में साइन थर्टी कितना होता है वन बाय टू माइनस कॉस थर्टी रूट थ्री डिवाइड बाई टू इंटू म्यूके इंटू फोर स्क्वा सिक्सटीन डन है कोई दिक्कत यहाँ से ये टू से ये हो जाएगा फ़ाइव सिक्सटीन फाइव ज़ा या तो ये फाइव हो गया ये फोर से ये फोर कट कर दे तो फोर फोर ज़ा सिक्सटीन तो यहाँ क्या बचा वन फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी यहाँ पे एज इज़ वन बाई टू माइनस रूट थ्री बाई टू म्यूक के कोई प्रॉब्लम ट्वेंटी को सामने भेजे डिनोमिनेटर में जाएगा आ, ओके ये टू को कॉमन निकाल देते हैं है ना टू को क्या निकाल देते हैं कॉमन तो यहाँ पे टू नीचे आ जाएगा और टू से ये क्या हो जाएगा टेन तो अब लिख सकते हैं वन डिवाइड बाई टेन इज़ इक्वल टू वन माइनस रूट थ्री टाइम्स के कोई दिक्कत तो यहाँ से हम के की वैल्यू चाहिए तो के को वहाँ ले जाते हैं टेन को यहाँ लाते हैं तो रूट थ्री टाइम्स म्यूके इज़ इक्वल टू वन माइनस पॉइंट वन लिख सकते हैं ये राइट तो म्यू के इज इक्वल टू वन माइनस पॉइंट वन क्या होगा पॉइंट नाइन डिवाइड बाय रूट थ्री ये आपका आ जाएगा आंसर कितना आया पॉइंट एग्जैक्ट या अराउंड डन है तो हमारा म्यू के क्या आया पॉइंट फाइव और म्यूएस क्या आया पॉइंट सिक्स तो ये बात भी वेरीफाई हुई यहाँ से कि म्यूके की वैल्यू यूएस से क्या होगी छोटी होगी मिली ना हमें कुछ दिया नहीं था हमने निकाला इजी है भाई देख लो चलो आराम से एक बार देख लो बच्चा लोग एक बार वही की वही बात भाई यहाँ जा रहा है तो एफ के वहाँ वो वहाँ हाँ वो तो मैंने क्लास लेक्चर में ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोला था है ना बुरा कि नहीं था वो तो भी नेट फोर्स क्या नेट फोर्स निकालो और फिर वहाँ एम वन जो मास मल्टीप्लाई बाय रखो वही कर रहा हूँ मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ लॉजिक लगाओ पलट ये जो गाना बनाया है ना तेरा ध्यान किधर है पलट वाला हाँ ये वो वाले वो वाला कवि है ना साइंस टीचर रहा होगा हो क्या होगा भाई साइंस टीचर होगा क्योंकि क्या वो पढ़ा रहे होंगे और पढ़ाते पढ़ाते क्या होगा बच्चे का ध्यान इधर इधर चला गया होगा तो सर ने बोला तेरा ध्यान किधर है तेरा हीरो इधर है इधर फिर वहाँ से उन्होंने गाना लिख दिया इंस, इंस्पायर ऑफ साइंस से सब कुछ इंस्पायर हो सकता है आप देखो हर एक गाने साइंस से इंस्पायर है मेरे ख्याल से आप कोई भी लाओ मैं बना के दे दूँ बिहारी मेरे को आते नहीं है नहीं तो वो भी बना दू भाई वो एक दूसरा गाना है ना अरे 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 एक दूसरा गाना है ना वो वो जालिमा तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना जालिमा ये एक बायोलॉजिस्ट थे इसके ये जो ये जो गाने की लाइन लिखी वो कवि क्या थे बायोलॉजिस्ट थे महान बायोलॉजिस्ट एक्चुअली उसमें ऐसा था वो डेजर्ट में रन में घूमने गए थे अरे भाई और घूमते घूमते उन्होंने एक पौधा देखा और पौधे को पानी नहीं मिल रहा था तो पौधा पानी को पौधा को पानी कौन देता है ज़ाइलम देता है भाई पानी कहाँ से फ्लो होता है ज़ाइलम से देता है ना तो पौधे ने उस पौधे की हालत कवि ने अपने शब्दों में लिखी कि तेरे खातिर तड़पे पहले से ही मतलब पानी के खातिर पहले से ही तड़प रहे हैं है ना क्या मुझे तड़पाना जालिमा जाइलम को बोल रहा है पानी दे भाई भाई बायोलॉजिस्ट भाई, 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 भाई कम थोड़ी है वो वाला भी बताया था ना आपको वो तुमसे किरण की सब भाई एवरीथिंग इज साइंस आ जाओ मतलब देखो अगर आपको अच्छा कवि सिंगर या जो भी बनना हो तो क्या पढ़ना चाहिए साइंस का डीप नॉलेज लो भाई इफ यू हैव डीप नॉलेज ऑफ साइंस यू आर गुड फिलोसॉफर यू कैन कनेक्ट anything. लेट स्टार्ट <laughs> आगे जाए भाई समझ में आई गो आ जाओ निकलो जाए ओके <laughs> okay, ये फोर्टीन नंबर वाला जो क्वेश्चन है ना भाई आ, उसमें क्या है थोड़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है वो हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में सीखेंगे वो हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में सीखेंगे उसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थियरम है ना वर्क एनर्जी थियरम लगता है जो मैं सिखाना बाकी है नेक्स्ट वाले चैप्टर में आएगा फिर ऐसे होगा ये तो उस चैप्टर में जो प्रॉब्लम करने वाले हैं उसके कंपैरिजन में ये पपलू प्रॉब्लम है हाँ कैसी प्रॉब्लम है ऐसा कॉम्पिटिटिव में नहीं आ सकता मतलब मैं अगर टीचर हूँ तो मैं तो नहीं पूछूंगा ये तो बहुत ईजी है बरबर ना और कोई और पूछ ले तो सर आपने तो मना किया था मैंने नहीं किया प्रॉब्लम नंबर जाते हैं भाई फिफ्टीन पे भाई ये तो करवाया हुआ है अरे हाँ बस उसका बस वही एक दिक्कत है समझ गया मैं चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन वेन फोर्स एफ वन एफ टू एंड एफ थ्री आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मासू एंड एफ थ्री आर परपेंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब मान लेते भाई कोई पार्टिकल है इस पर तीन फोर्स लग रहा है और इसमें एफ टू एंड एफ थ्री कैसे है परपेंडिकुलर दिख भी रहे हैं बनाए भी वैसे तो एफ़ वन ओके देन द पार्टिकल रिमेन स्टेशनरी अगर ये पार्टिकल स्टेशनरी है तो एफ वन और एफ़ टू का रिजल्टेंट कहाँ बनेगा भाई तो पैरालोलोग्राम कंप्लीट करो ये उसका रिजल्टेंट होगा ये क्या है रिजल्टेंट उसका एफ टू प्लस एफ थ्री है ना भाई तो अगर ये नेट फोर्स यहाँ है तो उसका एफ़ वन को कहाँ लगना चाहिए भाई एफ़ वन अगर यहाँ लगता होगा सेम मैग्नीट्यूड का तभी ये पॉसिबल है कोई दिक्कत वाली बात तभी ये वाला ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा भाई स्टेशनरी इक्विलिब्रियम में तभी रहेगा तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि फोर्स एफ़ वन का मैग्नीट्यूड किसके एफ़ टू प्लस एफ़ थ्री के मैग्नीट्यूड जितना होना चाहिए डन है कोई दिक्कत वाली बात चलो तो करें आगे कार्यक्रम अब उन्होंने क्या किया इफ़ फोर्स एफ वन इज़ नाउ रिमूव इसको हटा दिया तो अगर इसको हटा दिया तो फ्री बॉडी डायग्राम में यहाँ पे सिर क्या बचेगा फोर्स एफ टू प्लस एफ थ्री यही बचेगा भाई तो ये आगे बढ़ना चालू होगा जहाँ फोर्स वहाँ एक्सलरेशन तो बॉडी का मास क्या है एम एक्सलरेशन प्रोड्यूस करेगा ए यही करेगा ना भाई तो क्या लिख सकते हैं भाई नेट फोर्स कितना है एफ टू प्लस एफ थ्री इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सप्लरेशन तो इस बॉडी का एक्सपलरेशन क्या होगा तो वो लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ टू प्लस एफ थ्री डिवाइड बाय मास ये मासन हो सकता है लेकिन ये एफ टू प्लस प्लस एफ थ्री किसके जीतना है एफ वन जीतना तो एफ टू प्लस एफ थ्री की जगह क्या लिख सकते हैं एफ वन डिवाइड बाई एम बरबर अब उन्होंने कुछ नहीं किया इसको एफ वन के एफ़ वन के मैग्नीट्यूड को आर वन बोला एफ टू के मैग्नीट्यूड को आर टू बोला एफ थ्री के मैग्नीट्यूड को आर थ्री बोला रिजल्टेंट है ना तो यहाँ पे बस कुछ नहीं है एफ टू एफ थ्री की जगह आर टू आर थ्री तो आर टू प्लस आर थ्री की जगह क्या रख सकते हैं भाई आर वन डिवाइड बाय एम कहाँ दिख रहा है भाई ऐसा डी ऑप्शन डी इज़ करेक्ट बिंगो डन है भाई चलो आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन द masses ऑफ एम वन फाइव के जी मतलब नीचे वाला एंड एम टू टेन के जी चलो अपने बना देते हैं डायग्राम ऐसी कुछ सिचुएशन है यहाँ पे मास है एम टू का मास कितना है टेन के जी यहाँ ब्लॉक है टेन के जी वाला यहाँ से एक स्ट्रिंग निकाली यहाँ से पुली और यहाँ से दूसरा ब्लॉक और यहाँ पे मास है उसका टेन के जी चलो अच्छी बात है कनेक्टेड बाय इन एक्सटेंसिबल पाँच है ओके सॉरी फाइव के जी अब यहाँ पे क्या है भाई तो कनेक्टेड बाय इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ओवर अ फ्रिक्शन लेस पुली वाह अच्छी बात है बात आगे ले जाते द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन ऑन अ हॉरिजोनटल सरफेस मतलब ये वाली हॉरिजॉन्टल सरफेस यहाँ पे हमें फ्रिक्शन कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन ऑन अ हॉरिजोनटल सरफेस इज पॉइंट फिफ्टीन कितना दिया है हमें पॉइंट फिफ्टीन द मिनिमम हाइट एम ओके क्या लिखा है ये द मिनिमम हाइट एम दैट शुड बी पुट ऑन अ टॉप ऑफ मास मिनिमम मास गलती कर दी मिनिमम क्या रखना है हमें यहाँ पे कुछ मास रखना है एम दैट शुड बी पुट ऑन टॉप ऑफ द मास एम टू टेन के के ऊपर टू स्टॉप द मोशन ओके अब यहाँ पे हो क्या रहा है ये नीचे आने की ये नीचे आ रहा है ये कहाँ आ रहा है नीचे आ रहा है यहाँ पे म्यू के की वैल्यू अपने के अपने ओके okay, ये म्यूएस की वैल्यू अपने को कितनी दी है आप सिंपल सी बात है भाई अगर ये फ्रिक्शन लेस सरफेस होता है, तो ये नीचे ही आता लेकिन ये अगर रुका हुआ है तो किसके कारण म्यू एस के कारण लेकिन म्यू एस की वैल्यू बहुत कम है उसके लिए ये कहाँ आ रहा है नीचे आ रहा है बरोबर ना एफ एस क्या होता है म्यू एस इंटू एन मास बहुत कम है इसके लिए कहाँ रहा है नीचे तो हमें उसका मास में बढ़ोतरी करनी है एम जितनी और वो एम कैसा होना चाहिए मिनिमम जिससे ये सिस्टम कहाँ आ जाए इक्विलिब्रियम में तो मान लेते कि एम लगा दिया तो ये सिस्टम किस में आ गई भाई तो सॉल्यूशन यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं पहले किसकी बात इसकी बात ये सिस्टम ये सिस्टम अगर यहाँ पे इसको नीचे खींच रहा है तो इसका टेंशन कहाँ होगा यहाँ बराबर लेकिन ये टेंशन ये ये सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं चलो तो यहाँ पे गिनते हैं पहले तो तो इस वाले डायरेक्शन में क्या अनशा फोर्स बाय टेंशन टी अगर ये टेन और ये मास एम तो नीचे वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फ़ोर्स क्या होगा टेन प्लस टेन प्लस एम इंटू जी और ऊपर कौन सा फोर्स बाई नॉर्मल रिएक्शन एन और क्योंकि ये स्टेटिक फ्रिक्शन है यहाँ जाना चाहता है लेकिन जा नहीं पा रहा है क्योंकि इसको किसने खींच के रखा है फ्रिक्शनल फोर्स एफ एस और एफ एस कहाँ लग रहा है भाई यहाँ पे डन है ये ये है इसकी कहानी तो यहाँ से हम एन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं पहले तो टेन प्लस एम इन टू कोई प्रॉब्लम और राइट ओके हॉरिजोंटली भी क्या है इक्विलिब्रियम तो उसके लिए दूसरा इक्वेशन क्या लिख सकते हैं भाई क्या हो गया भाई t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई एफ एस डन है तो t इज इक्वल टू एफ एस अब एफ एस कितना होता है म्यू एस इंटू एन ये रहा हमारा तो टेंशन t इज इक्वल टू क्या होगा म्यू एस इंटू टेन प्लस स्मॉल एम इन टू ये टेंशन आ गया अब थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन क्या है भाई सेम है अब इसके लिए बात करते हैं चलो तो नाउ लेट्स टॉक फॉर अ फाइव के जी यहाँ पे ही कर देते फोर फाइव के जी ब्लॉक ओके ये ब्लॉक नीचे या ऊपर कहीं जा रहा इसके ऊपर फोर्स कौन कौन से नीचे फाइव जी और ऊपर टेंशन टी तो टी इज इक्वल टू क्या होगा फाइव जी जी की कोई ख़ास वैल्यू ख्वाहिश है नहीं है दस ले 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 लेते हैं टेंशन कितना हो जाएगा पचास न्यूटन ये पचास को यहाँ डाल देते हैं चलो तो फ्रॉम दिस एंड दिस हम लिख सकते हैं फिफ्टी इज इक्वल टू यू एस की वैल्यू कितनी दी है पॉइंट फिफ्टीन इंटू टेन प्लस एम तो फाइंड करना है और जी क्या लेना है दस तो ये ज़ीरो ये ज़ीरो कैंसल तो यहाँ से पॉइंट फिफ्टीन को नीचे भेजे तो फाइव डिवाइड बाई पॉइंट फिफ्टीन इज इक्वल टू टेन प्लस एम करो ये बाई फाइव डिवाइड बाई पॉइंट फिफ्टीन भाई मेरे को कैलसी दे दो कितना थ्री थ्री और यहाँ पे सामने क्या जाएगा भाई माइनस टेन हो जाएगा ये तो ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री के जी ये क्या आ गया आपका इतना मास इसके ऊपर रख दे तो ये सिस्टम इस म्यूएस के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगी डन है बिंगो जा सकते आगे अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेस ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन स्मूथ इंक्लाइन वेज ए बी सी ओके अच्छी बात है थीटा हमारे लिए तो ये इंक्लाइन प्लेन हुआ सोन इन फिगर द वेज इज गिवन एक्सलरेशन ए टू राइट कहाँ पे दिया है ओके okay, फिगर में थोड़ा लोचा लग रहा है भाई मेरे को क्या है लोचा चलो बदसुधार देते है कोई बात नहीं भाई होता है कभी कभी ऐसा होता है चलो अब ये सही है अब यहाँ पे हमने क्या रख दिया ब्लॉक उस ब्लॉक को टूवर्ड्स राइट एक्सलरेशन देना मतलब यहाँ से इस डायरेक्शन में एक्सलरेशन देना और जिस डायरेक्शन में अगर मास एम है अगर एक्सलरेशन यहाँ दे रहे हो मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो डन है ना तो फोर्स के कंपोनेंट पता थे ना अगर एक्सलरेशन यहाँ है तो यहाँ पे एक्सलरेशन का कौन सा कॉम्पोनेंट कॉस और यहाँ पे इस 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 वाले इस वाले से कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा रहेगा भाई ए साइन थीटा अगर मास एम है तो यहाँ एम जी तो यहाँ पे एम जी और यहाँ पे एम जी वाह अरे भाई वाह और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन एन क्या चाहिए द रिलेशन बिटवीन ए एंड थीटा फॉर द ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी ये स्टेशनरी है क्या है भाई स्टेशनरी कब रह सकता है तो देखो ऊपर के फोर्स इक्वल टू नीचे के फोर्स तभी स्टेशनरी तो सॉल्यूशन स्टेशनरी मतलब हमें चुपके से बता दिया है ये किसी सिस्टम है इक्विलिब्रियम स्टेशनरी इक्विलिब्रियम तो ऊपर के फोर्स इज इक्वल टू ओके अगर एस थीटा अगर उसका एक्सलरेशन है तो उसका फोर्स क्या होगा एम टाइम्स ए थीटा फोर्स क्या होगा एम ए और एक्सलरेशन भी एक्सलरेशन ये इतना है तो इसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो फोर्स हो गया तो ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स चलो तो नीचे का फोर्स कितना है भाई एम जी साइन थीटा और प्लेन पे यहाँ का फोर्स क्या है एम 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 क्या हो जाएगा भाई ओके okay, ए के फॉर्म में फॉर्मूला चाहिए तो कॉस को सामने भेज देते हैं तो ए इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा जी साइन थीटा डिवाइड बाय साइन बाय कोर्स क्या होता है भाई खत्म हो गई बात जी टेन थीटा डन है होगा भाई ऐसा मज़ा आ रहा है ना हाँ ऑप्शन नंबर ए चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हुए ट्वेंटी वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन ओके हमें एक सरफेस दिए ऐसे और एक ब्लॉक दिया है जिसका मास बहुत अटपटा पटा है रूट थ्री के जी हमें क्या यहाँ पे एक फोर्स ओके लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फोर्स फॉर अ ब्लॉक जस्ट टू स्लाइड इज थ्री एक्स लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फोर्स मतलब फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है ना लिमिटिंग वैल्यू मतलब मैक्सिमम में फ्रिक्शन मतलब एफ एस मैक्स दिया है कितना दिया है हमें थ्री एक्स दे दिया देन वाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क करे कार्यक्रम स्टार्ट और क्या दिया है तो वहाँ देख सकते हैं म्यू एस दे दिया है कितना दिया है वन डिवाइड बाई थ्री रूट थ्री और यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है उस पर थोड़ा सा करेक्शन है ये ऊपर वाला एरो नहीं है ये एरो कहाँ है भाई नीचे है ये फोर्स कहाँ लग रहा है ऐसे कोई दिक्कत डन है चलो तो अब सॉल्यूशन देखें रूट थ्री के के ब्लॉक पे ऐसे हॉरिजॉन्टल के साथ कितना डिग्री सिक्सटी डिग्री पे ऐसे एंगल पे ऐसे दबा रहे हैं बरोबर ना तो इसके कारण ये ब्लॉक का मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है थ्री एक्स एक्स की वैल्यू निकालनी है चलो पहले नीचे आ जाते हैं यहाँ पे हम थोड़ा और क्लेरिफाई करके फिगर बनाते हैं ये हमारी सरफेस ये हमारा ब्लॉक और यहाँ पे हमारा ये फोर्स रहा ऐसे जो इसके साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है सिक्सटी तो ये फोर्स एफ है तो अलोंग द जिसके साथ एंगल बना रहा है वहाँ पे कौन सा कंपोनेंट तो ये वेक्टर ऐसा है थर्ड क्वाड्रेंट जैसा मान सकते हैं तो इसके दो कंपोनेंट हो गए एक ऐसा और एक ऐसा तो ये वाला कंपोनेंट मैं यहाँ पे बताता हूँ ये वाला कंपोनेंट क्या होगा एफ कॉस थीटा और थीटा सिक्सटी और दूसरा कॉम्पोनेंट कहाँ होगा नीचे लेकिन लग तो यहाँ ही रहे तो दूसरा कॉम्पोनेंट यहाँ ही बताता हूँ ये क्या होगा भाई अब आप देख सकते हो एफ कॉस थीटा उसको यहाँ धकेल रहा है तो उस कॉस थीटा के कारण ये आगे चलना स्टार्ट कर सकता है बरोबर ना लेकिन इसके इसके यहाँ पे क्या है फ्रिक्शन तो अगर ये एफ साइन थीटा के कारण तो कुछ नहीं होगा क्योंकि वहाँ तो सरफेस है सरफेस तोड़ता नहीं है तो ये यहाँ चलना स्टार्ट कर सकता है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा भाई इस साइड बराबर है ओके चलो तो यहाँ पे सारा डिस्कस ओके अब यहाँ पे सरफेस के कारण नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगा भाई ऊपर और इसका अगर मास एम है तो उसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ होगा भाई नीचे डन है ये और ये सारी सिचुएशन कैसी है स्टेशनरी है ये चलना चालू किया नहीं है तो नेट फोर्स क्या होगा इसके ऊपर भाई जीरो चलो तो चलो तो अभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग फ्री बॉडी डायग्राम क्या बना देते हैं फ्री बॉडी डायग्राम सो एम ब्लॉक के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है एम ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन एन और दूसरा नीचे की तरफ न, ये भी नीचे है ना तो उसको भी नीचे रिप्रेजेंट कर देते हैं डाउनवर्ड साइड ही एरो क्या है उसका डाउनवर्ड ही है तो यहाँ नीचे ही बता देता हूँ मैं एफ़ साइन थीटा कोई दिक्कत अब यहाँ पे इस वाले डायरेक्शन में देखने जाए तो एफ़ कॉस थीटा कहाँ है इस साइड है तो यहाँ लिख देते हैं एफ कॉस थीटा कोई दिक्कत और एफ एस कहाँ है यहाँ तो इसके अपोजिट यहाँ पे हम बता देते हैं ये है हमारा एफ एस डन है ये हो गया फ्री प्री बॉडी अब तो ख़त्म हो गई बात ये इक्वल टू ये वो इक्वल टू हमें क्या मांगता था एक्स की वैल्यू चाहिए चलो तो पहले तो एफ एस मैक्स ये वाला जो भी होगा वो क्या होगा भाई आपका एफ एस मैक्स होगा वैल्यू निकालते हैं पहले तो एन इज़ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एफ साइन थीटा प्लस एम जी और दूसरा इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं एफ एस मैक्स मतलब अब मैक्स ही समझेंगे एफ एस इज इक्वल टू एफ कॉस्ट थीटा ये इक्वेशन नंबर वन ये इक्वेशन नंबर टू बिंगो पहले में वैल्यू पुट करते हैं चलो एन इज इक्वल टू एफ की वैल्यू नहीं पता कॉस्ट थीटा ओके साइन थीटा थीटा कितना है सिक्सटी उसकी वैल्यू पता है कितनी होगी रूट थ्री डिवाइड बाय टू प्लस एम मास पता है कितना है रूट थ्री दिया है तो रूट थ्री इंटू जी या तो टेन जो लिखना हो जी रख जी रहने देता हूँ राइट एंड में करेंगे अब ये होगा हो गया अपना इक्वेशन वन है अब यहाँ वैल्यू रखते हैं एफ एस इज इक्वल टू वॉट एफ तो एफ है और यहाँ पे कॉस क्या हो जाएगा थर्टी कॉस सिक्सटी कॉस्ट सिक्सटी कितना होता है वन डिवाइड बाई टू या इक्वेसन नंबर टू है डन है अब हम आगे की प्रोसीजर कर सकते हैं वो जो करा वही करना पड़ेगा तो एफ एस इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं भाई म्यू एस इन टू एन एन की जगह क्या रख सकते हैं एफ़ साइन ये वाली वैल्यू रख सकता हूँ मैं तो ए म्यू एस इन टू एफ रूट थ्री बाई टू प्लस रूट थ्री जी इज इक्वल टू एफ़ डिवाइड बाई टू ये होगा हमें इस सारे इक्वेशन में देखो म्यू एस की वैल्यू पता है कितनी है वन बाई थ्री रूट थ्री सब कुछ पता है सिर्फ क्या नहीं है एफ तो एफ पता चल जाएगा अगर एफ पता चल गया तो वहाँ एफ की वैल्यू यहाँ रख देंगे एफ एस पता चल जाएगा तो फिजिक्स खत्म यहाँ से क्या चालू हो गया मैथ्स चलो सॉल्व करते हैं इसको पूरे पूरा इक्वेशन एक बार रिपीट कर देता हूँ राइट म्यूएस यहाँ पे क्या था ये एफ डिवाइड एफ़ इंटू रूट थ्री बाई टू प्लस रूट थ्री जी इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय टू म्यू एस की वैल्यू कितनी दी है वन डिवाइड बाय थ्री रूट रख दे अंदर तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एफ़ इंटू रूट थ्री बाई टू तो है ही है इंटू वन डिवाइड बाय थ्री रूट थ्री हो जाएगा ये प्लस यहाँ पे रूट थ्री जी तो है ही है यहाँ पे हो जाएगा वन डिवाइड बाय रूट थ्री इंटू थ्री चलो आगे पीछे हो गया कोई बात नहीं इज इक्वल टू एफ़ डिवाइड बाय यहाँ से रूट थ्री रूट थ्री कैंसल क्या हो जाएगा एफ़ डिवाइड बाय टू थ्री जा सिक्स यहाँ से हम रूट थ्री रूट थ्री कैंसल यहाँ पे जी मतलब टेन डिवाइड बाय इज़ इक्वल टू एफ़ डिवाइड बाय टू इसको यहाँ उसको वहाँ बरोबर या तो उसको वहाँ ले जाएंगे तो एफ़ बाय टू माइनस एफ बाई सिक्स इज इक्वल टू टेन डिवाइड बाय थ्री तो यहाँ से अब क्या भाई हो जाएगा ये सिक्स एफ ये टू एफ माइनस सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व इज इक्वल टू टेन डिवाइड बाय थ्री तो यहाँ से हो जाएगा सिक्स माइनस टू फोर एफ डिवाइड बाय ट्वेल्व इज इक्वल टू टेन डिवाइड बाय थ्री थ्री से थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व और फोर फोर कट एफ की वैल्यू क्या आ गई बाई टेन न्यूटन तो यहाँ से अब हमारा एफ़ एस कितना था भाई एफ़ कॉस एफ कॉस कॉस सिक्सटी एफ कितना आया टेन और कॉस सिक्सटी कितना होता है वन बाय सॉरी रूट थ्री बाय है ना वो ओके सॉरी तो ये क्या हो जाएगा भाई पाँच हो जाएगा एफ़ एस मैक्स कितना है अपना पाँच ऑप्शन क्या दिए है भाई इसने अब हमें अब हमें भाई सब कुछ कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं है ना कहीं पे हाँ वो तो अब कंपेयर करना है भाई अब एफ़ एक्स कितना दिया है भाई थ्री एक्स और ये कितना आया पाँच तो फाइव इज इक्वल टू क्या होगा थ्री एक्स तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा फाइव डिवाइड बाय ये डन है हाँ अरे भाई छोड़ो ना तो स्कूल बदल लो पेरेंट्स आपके सपोर्ट में नहीं है मेरे पास लेकर आओ ये संडे संडे मीटिंग है ये संडे मीटिंग है मेरे पास मैं संडे मीटिंग में इन जनरल तो बता नहीं वाला हूँ किसी को दिक्कत हो किसी भी पेरेंट्स को तो मेरे से बात करवाओ लेकिन मैं बात करवा उसके बाद आपको काम करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि कल सुबह स्कूल है मैं सो जाऊंगा नहीं रात के डेढ़ बजे तक दो बजे तक जागेंगे तीन बजे तक जागेंगे लेकिन आज का काम पूरा कंप्लीट होगा डाउट में मेरे नोट डाउन करूंगा एक चिट्ठी पे है ना नेक्स्ट टाइम से अपने ऐसा रखते हैं हर एक को एक एक डायरी ऐसा हो तो मैं गिफ्ट देता हूँ छोटी वाली रोज रोज और उसके ऊपर आपके नाम लिख देने का और डायरी में नोट डाउन वो पेज पे नोट डाउन कर देने के डाउट और वो पेज ही ले लेने के मेरे को क्लियर पता चले है किसका है सबूत है ना भाई कोई ऐसा नहीं मेरा है तेरा है मेरा तो नहीं है तेरा है है ना चलो डन है भाई एक एक खास एक बात बतानी है न्यूटन सेकंड लॉ न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या था भाई एफ इज इक्वल टू डी पी डिवाइड बाय भाई ऐसी बातें करने की अभी है ना डी पी डिवाइड बाय ए भाई यहाँ ध्यान दो एप सी को लो डी पी डिवाइड बाय क्या होता है डी टी अब मोमेंटम पी क्या होता है भाई एम वी बरोबर अब यहाँ पे हम लोग ऑलवेज क्या कंसीडर करते हैं कि मास कांस्टेंट है ऐसा कंसीडर हम लोग करते हैं सपोज करते हैं कि इफ़ एम भी क्या है भाई वेरिएबल एंड इस वाले केस में रखते कि वी क्या है भाई कांस्टेंट तब भी मोमेंटम चेंज होगा मोमेंटम चेंज होने के दो तरीके हैं भाई लोग मास बदलेगा तो भी मोमेंटम बदलेगा वेलोसिटी बदलेगी तो भी मोमेंटम अभी तक हम क्या मानते हैं कि मास कांस्टेंट है तो सिर्फ वी ही बदल सकता है लेकिन विचार करने में क्या जाता है मान लो मास बदल रहा है और वी कॉन्स्टेंट है ऐसा हो सकता है मान लो ऐसा है ऐसा मान लेते कि मान लो मेरे पास एक बलून है अरे सॉरी एक बॉल है और उस बॉल पे डॉट 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 होल किए हैं और उसके अंदर हमने सैंड भर दी है बरोबर और, और उस बॉल को मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से फेंक रहा हूँ कितनी वेलोसिटी से कांस्टेंट बरोबर लेकिन इस वो उसके ऊपर होल है छोटे छोटे तो वहाँ से वो जो सैंड है वो कहाँ आ रही है बाहर निकल रही है तो बॉल तो वी स्पीड से ही जा रहा है लेकिन उसका मास क्या होता जा रहा है भाई चेंज होता जा रहा है ना तो इस केस में मास चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो ये फोर्स मोमेंटम चेंज होगा कि नहीं होगा तो ये चेंज इन मोमेंटम फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा ये भी लगाएगा भाई सही बात है कि गलत है चलो तो भाई यहाँ इसके हिसाब से अगर एम वेरिएबल वी कॉन्स्टेंट ये रहा एग्जाम्पल तो क्या लिख सकते हैं तो हमारा फोर्स का इक्वेशन हो जाएगा गाइज डी बाई डी टी एम इंटू वी कोई दिक्कत लेकिन अब यहाँ वी कॉन्स्टेंट है तो वी कहाँ जाएगा बाहर और डिफ्रेंशिएशन किसका होगा मास का तो ये इसके लिए इक्वेशन हो जाएगा वी एज इट इज और ये हो जाएगा dm एम डिवाइड बाय ये dm एम बाई डी क्या बोलेंगे चेंज इन मास इन ए यूनिट टाइम ऐसा बोल सकते हैं ना भाई है ना dm एम बाई डी का अगर इंटरप्रिटेशन करना हो तो क्या लिख सकते है चेंज इन मास इन यूनिट टाइम कोई प्रॉब्लम भाई अच्छी बातें है एक और बात बताओ अब मान लो कोई ऐसी सिस्टम है जहां मास भी बदल रहा है वेलोसिटी भी भी बदल रही है हो सकता है भाई ये बॉल है अब मैंने थ्रो किया तो क्या कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा वेलोसिटी बदले बदलेगी ही बदलेगी और मास भी बदल रहा है है ना मान लो एक अच्छा सा बलून था जिसका थीक लेयर था है ना बहुत थोड़ा मोटी चमड़ी वाला उसके अंदर होल कर दिया था हमने पानी भरा और होल कर दिया लेकिन ऐसे ब्रस्ट होए ऐसा नहीं था अब उसको हमने ऐसे थ्रो किया तो पानी धीरे धीरे निकल रहा है तो मास कम होता जा रहा है और वेलोसिटी भी चेंज होती जा रही है तब फोर्स कैसा लगेगा तो तब आते हैं भाई केस नंबर टू क्या बोल सकते भाई केस नंबर टू एम एंड वी बोथ आर वेरिएबल हो सकता है ना भाई ऐसा यहाँ पे सिर्फ क्या था भाई एम वेरिएबल एंड वी कॉन्स्टेंट ये हमारा केस नंबर वन और स्टैंडर्ड केस हम करके आए हैं राइट right? तो यहाँ पे हम फोर्स का इक्वेशन लिख सकते बाई डी बाई डी टी और एम इंटू वी ये होता है अब हम डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल सीख कर आए थे याद हो तो अगर दो वेरिएबल मल्टीप्लीकेशन में हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला क्या था फर्स्ट इट इज़ सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस एज इट इज़ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ये याद है बस यही वाला रूल यहाँ लगा देंगे तो यही इस केस में फोर्स हो जाएगा हमारा गाइज एम इट इज डी वी डिवाइड बाय डी टी प्लस वी इट इज डी एम डिवाइड बाय और डी वी बाई डी टी तो हमें पता है क्या होता है एक्सलरेशन प्लस डी एम बाई डी टी ये कुछ नहीं होता है भाई इंटू वी तो ये रहा आपका इन जनरल फोर्स का इक्वेशन बराबर भर, अगर इसके अंदर हम अपनी कंडीशन डाले इफ एम क्या हो जाए कांस्टेंट हो जाए तो डी एम बाई डी टी क्या होगा देन डी एम बाई डी टी ज़ीरो हो जाएगा ना भाई अगर एम कांस्टेंट है तो एम का डिफरेंशिएशन जीरो तो ये टर्म हट गया तो आपका ओरिजिनल इक्वेशन वापिस आ गया डन है कोई दिक्कत वाली बात एक छोटा सा क्वेश्चन करे इसके ऊपर चलो तो एक एग्जाम्पल देखते हैं भाई मान लेते हैं यहाँ पे एक सरफेस है और यहाँ पे हमने एक ब्लॉक रखा है बरोबर उस ब्लॉक का मास है फाइव के जी टू के जी रखता हूँ कितना रखता हूँ और यहाँ पे एक जेट है जेट पानी आता है ना है ना वो गाड़ी साफ करने के लिए नहीं यूज़ करते जेट स्प्रे तो ऐसे जेट से क्या आ रहा है भाई फू आ रहा है भाई पानी आ रहा है ऐसे पानी थ्रो हो रहा है इसके ऊपर बरोबर और ये पानी कैसे थ्रो हो रहा है तो जो मास उसके ऊपर जा रहा है वाटर का वो है वन के पर सेकंड एक सेकंड में कितना मास थ्रो हो रहा है वन के जी हाँ पानी पानी का मास नहीं होता है भाई वाटर ही जा रहा है वाटर का मास होता है ना तो वो कितना वाटर वहाँ पे थ्रो हो रहा है एक के जी इन अ वन सेकंड, और उस वाटर की वेलोसिटी कितनी है मान लेते टेन मीटर पर सेकंड से वो जा रहा है पानी और एक सेकंड में कितना मास वहाँ पे जाके स्ट्राइक हो रहा है वन के जी तो क्वेश्चन ये है कि इस ब्लॉक के ऊपर ये टू के जी का ब्लॉक है उसके ऊपर ये कुछ फोर्स लगाएगा भाई पानी लगाएगा ही ना सिंपल सी बात है तो वो फोर्स कितना होगा ये है आपके सामने क्वेश्चन तो सॉल्यूशन देखे यहाँ पे देखो वेलोसिटी नहीं बदल रही है बदल कौन रहा है मास तो ये कौन सा वाला केस हुआ मास वेरिएबल वाला तो फोर्स का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं तो डी एम बाई डी टी इंटू वी डन है अब डी एम बाई डी टी मैंने बोला था क्या था चेंज इन मास इन वन सेकंड है ना अब मोमेंटम का चेंज या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो मोमेंटम का चेंज यहाँ इसके कारण हो रहा है कोई दिक्कत वाली बात भाई तो मास के कारण मोमेंटम चेंज हो रहा है तो यहाँ पे हमें मास का एक के जी एक सेकंड में मतलब एक सेकंड में कितना मास आ रहा है वन के जी मतलब ये डी एम बाई डी टी हमें कितना दिया है भाई वन के जी पर सेकंड एक सेकंड में वन के जी ये है चेंज इन मास सही बात है कि गलत है एक सेकंड में वन के जी आ रहा है वैसे दस सेकंड रुकोगे तो कितना आएगा दस के जी आएगा है ना तो हमें रहा डीएम बाई डी क्या है चेंज इन मास इन वन वन सेकंड तो दस में दस तो वन में कितना वन क्योंकि दिया है हमें बिंगो तो डीएम बाई डी कितना आया भाई वन के और वेलोसिटी कितनी है भाई दस तो हो गया ये तो पूरा वन इंटू टेन कितना हो जाएगा टेन न्यूटन नन अब क्वेश्चन ये है कि इसके कारण इसका एक्सलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा वो कैलकुलेट करो तो फोर्स कितना लग रहा है इस ब्लॉक के ऊपर दस न्यूटन और उस ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक का मास कितना है भाई टू के तो एक्सलरेशन क्या होगा भाई एफ इज इक्वल टू एम एफ टेन एम टू ए क्वेश्चन मार्क तो ए कितना आ जाएगा भाई फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कोई दिक्कत एक और क्वेश्चन होमवर्क में दू होमवर्क में ये वाला क्वेश्चन करेंगे चलो मान लेते हैं ये वाला जो ब्लॉक है वो फाइव के जी का है और यहाँ पे जो जेट से स्प्रे हो रहा है जो डी एम चेंज इन मास मास कितना उसके ऊपर स्ट्राइक हो रहा है तो मान लेते हैं ये जो मास है वो है टू के जी पर सेकेंड और उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं वेलोसिटी में रख रखने जा रहा हूँ दस मीटर पर सेकेंड तो उस फोर्स के कारण इस ब्लॉक का क्या फाइंड करो एक्सपलरेशन फाइंड करो डन है